हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो सीरीज के अंदर देखा था कि G+3 RC फ्रेम बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने उस सीरीज को खत्म किया था, उस डिजाइन को खत्म किया था, ठीक है, हर एक कंपोनेंट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने के बाद। और आज इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक को, एक नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है डिजाइन ऑफ RCC वाटर टैंक। डिजाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि RCC वाटर टैंक कौन कौन से टाइप्स की होती है, क्योंकि इसकी डिजाइन डिपेंड करती है इसके टाइप के ऊपर, ठीक है। वाटर टैंक के तरह तरह की टाइप्स होती है, अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं बेस्ड ऑन देयर टाइप्स एंड लोकेशन, ठीक है। तो पहले हम वही चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल को, एक वाटर टैंक को डिजाइन करेंगे। वो कौन सी वाटर टैंक है, वो कौन सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है समझने की और सुनने की, ठीक है। उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जो हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस मेन टॉपिक के ऊपर। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम जब भी RCC वाटर टैंक को डिजाइन करने जा रहे हैं तो आपकी वाटर टैंक कौन से टाइप की है, इन सेंस कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। अगर मैं आपको कहूं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द वाटर टैंक, अगर बेस्ड ऑन लोकेशन की बात करूं मैं, तो देखिए इसके अंदर तीन टाइप्स होती है। पहली अगर मैं बताऊं लोकेशन के बेस पर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लोकेशन के बेस पर, तो ये होती है रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। मान लीजिए हमारा ग्राउंड है, ओके, तो इसके ऊपर जो एग्जैक्टली ऊपर वाटर टैंक रखी होती है इसे हम कहते हैं वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप हो गई। दूसरी जो टाइप होगी हमारी वो होगी वाटर टैंक अंडरग्राउंड, मतलब बिलो द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के नीचे जो वाटर टैंक होगी वो होगी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या फिर हम उसे कह सकते हैं वाटर टैंक बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। और जो तीसरी टाइप इसके अंदर है वो है, हम उसे कह सकते हैं यहां पर एलिवेटेड वाटर टैंक और वाटर टैंक अबो द ग्राउंड। तो ये तीन बेसिक टाइप्स थी वाटर टैंक की, जिनके ऊपर हमें डिजाइन के अंदर वेरिएशंस करने पड़ते हैं। लेकिन फर्दर इसके अंदर भी सब टाइप्स या सब कैटेगरीज पड़ती है। अगर हम बात करें वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, तो इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी पड़ती है, ठीक है, एक पड़ती है रेक्टेंगुलर और दूसरी होती है सर्क्यूलर। अगर हम बात करें अंडरग्राउंड टैंक की, तो इसके अंदर भी रेक्टेंगुलर और इसके अंदर भी सर्क्यूलर। और अगर हम बात करें एलिवेटेड वाटर टैंक, तो इसके अंदर भी रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर सर्क्यूलर भी हो सकती है। तो ये सब कैटेगरी की बात होगी। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल और आसान है और बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। अब यहां पर क्या है, आज इस वीडियो से हम एक जो डिजाइन एग्जाम्पल करने वाले हैं वो है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। हम इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के बारे में और कुछ बेसिक चीजें, और बाकी सारी जो टैंक है, बाकी सारे जो टाइप्स है, उनकी जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो हम जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बताता चलूंगा। अगर एक साथ सारी चीजें आपको बता दूं तो हो सकता है इन सारी चीजों की वजह से आपके माइंड में एक सॉलिड कंफ्यूजन हो, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी जिस टॉपिक की, जिस चीज की, मैं वहीं पर आपको उस चीज को समझाऊंगा, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं अभी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की। तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की अगर बात करूं मैं रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशंस होती है, फर्दर दो केसेस इसके अंदर बाहर निकल के आते हैं, और वो केसेस डिपेंड करते हैं L/B रेशियो पर। किस पर डिपेंड करते हैं, L/B रेशियो पर, ठीक है। अब ये L/B रेशियो वाला फंडा है, इससे पहले मैं आपको और एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिजाइन करते हैं तो कौन से बेसिक और मेन कंपोनेंट्स हमें इसके अंदर डिजाइन करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले कंपोनेंट बता देता हूं उसके। मान लीजिए ये एक हमारी रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ओके, ये हम क्या है इसको प्लान कह रहे हैं, इसका ये क्या है प्लान है, और मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं दूसरी फिगर, ये इसका एलिवेशन है, ओके, ये ग्राउंड पर रेस्ट है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर कौन से कंपोनेंट हमें यहां पर इसके डिजाइन करने होते हैं, तो ये जो वॉल है, ये वॉल जो आपको दिख रही है, ये लॉन्ग वॉल, इसे क्या कहते हैं हम, लॉन्ग वॉल। तो ये लॉन्ग वॉल हमें डिजाइन करनी होती है, ठीक है। दूसरी जो ये शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल हमें डिजाइन करनी है, हम ऊपर से दिख रही है, ठीक है, प्लान दिख रहे हैं हम उसका। तो ये लॉन्ग वॉल और ये शॉर्ट वॉल, दोनों वॉल्स हमें डिजाइन करनी होती है। और जो तीसरी चीज हमें इसके अंदर डिजाइन करनी होती है वो होती है बेस स्लैब ऑफ दिस
वाटर टैंक, इस वाटर टैंक का जो बेस स्लैब है ये हमें डिजाइन करना होता है। इन तीनों कंपोनेंट्स को डिजाइन करना है, इन तीनों कंपोनेंट्स पर लोड फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है, स्टील को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये तीनों चीजों कंपोनेंट के हमें ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है, ओके। तो ये बेसिक कंपोनेंट थे। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दो बेसिक, जो कि एल बाय बी रेशियो पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन आपको कौन कहता है, ये कहता है आपको IS 3370 पार्ट 4 के अंदर आपको गिवन है कि अगर एल बाय बी रेशियो, आपके देखिए दो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, अगर L by B रेशियो लेस देन 2 हुआ तब आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, और अगर L by B रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तब आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है। ये दोनों चीजें आपको IS 3370 पार्ट 4 के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखी है। उसी चीज को मैं आपको फिर से यहां पे दोहरा देता हूं कि अगर L by B रेशियो, अब यहां पे L क्या है और B क्या है, तो L इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस वाटर टैंक, ठीक है। इसकी जो लॉन्गर वॉल की जो लेंथ होती है वो L है, और जो विड्थ इसकी होती है ये B होती है, ठीक है, सिंपल। तो ये जो रेशियो है अगर लेस देन 2 हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि ये अगर हम ये देखिए एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल ये हाइट है इसे कह सकते हैं कैपिटल H, ठीक है। ये टोटल हाइट को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल H, ओके। तो यहां पर क्या होता है, कैपिटल H, ये L by B रेशियो अगर आपका लेस देन 2 हुआ तो कैपिटल H माइनस स्मॉल H जो पोर्शन होता है, अब ये स्मॉल H क्या होता है, ठीक है, तो स्मॉल H होता है बॉटम से ये डिस्टेंस, ठीक है, बॉटम से H by 4 डिस्टेंस, हम इसे स्मॉल H कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम टू द H by 4, ओके, उसे हम कह सकते हैं स्मॉल H। तो आपको IS कोड क्या कहता है कि अगर लेस देन 2 रेशियो हुआ उसका तो ये जो कैपिटल H माइनस स्मॉल H, ये जो डिस्टेंस है, ये जो टॉप पोर्शन है इस रिटेनिंग वॉल का, सॉरी इस वाटर टैंक का, तो यहां पे आपको इसे एज अ कंटिन्यूअस फ्रेम डिजाइन करना होगा। द टॉप पोर्शन कैपिटल H माइनस स्मॉल H शुड बी डिजाइन एज कंटिन्यूअस फ्रेम, और जो बॉटम H पोर्शन है, स्मॉल H का जो बॉटम पोर्शन है वो आपको एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना है, एज अ कैंटिलीवर, ठीक है। ये सिंपल तरीका, ये सिंपल चीज आपको समझनी होगी और इसे याद रखना होगा कि L by B रेशियो अगर लेस देन 2 हुआ तब आपको क्या करना है डिजाइन अपने वाटर टैंक के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, सेकंड केस की, L by B रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो लॉन्ग वॉल्स होती है अपने वाटर टैंक की जो लॉन्ग वॉल्स होती है वो आपको एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करनी होती है। कैसी करनी होती है, एज अ कैंटिलीवर। और शॉर्ट वॉल की अगर बात करें उसके अंदर, तो शॉर्ट वॉल्स के अंदर जो उसका नीचे का एच पोर्शन होता है, जो नीचे का एच पोर्शन होता है, ठीक है, ये पोर्शन जो होता है शॉर्ट वॉल के अंदर, ये भी आपको एज अ कैंटिलीवर ही डिजाइन करना है। लेकिन जो एच माइनस एच पोर्शन होता है, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉन्ग वॉल को कैंटिलीवर डिजाइन करना होता है, और जो शॉर्ट वॉल होती है उसके अंदर जो एच पोर्शन होता है बॉटम का वो आपको कैंटिलीवर डिजाइन करना होता है, और जो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होता है शॉर्टर वॉल का वो आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि एक स्लैब मानो लॉन्ग वॉल पे सपोर्टेड है, अ स्लैब सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल्स, इस तरह से आपको ये H माइनस H मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल H पोर्शन को डिजाइन करना है, कब, जब L by B रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तब। तो ये बेसिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आज इस एग्जाम्पल के अंदर हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे ये मैं आपको तभी बताऊंगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फर्दर जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए हम चलते हैं हमारे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए फिर शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को और देखते हैं कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। जो सवाल, जो न्यूमेरिकल हमने यहां पर ले रखा है वो है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा हमें यहां पर गिवन है वो है लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 6 मीटर, मतलब हमें ये कैपिटल एल गिवन है, ठीक है। विड्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 4 मीटर, इसका मतलब हमें ये कैपिटल बी गिवन है। डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, अब हमें ये क्या गिवन है और ये क्यों गिवन है। देखिए डेप्थ ऑफ वाटर मतलब वाटर टैंक के अंदर ये ऐसी डेप्थ होती है जिस डेप्थ तक हम पानी वाटर वहां पर स्टोर कर सकते हैं,
उस डेप्थ को हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, वो हमें यहाँ पर 3.5 मीटर गिवन है। अब डिज़ाइन के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम फर्दर सॉल्यूशन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमें जो लास्ट यहाँ पे कहा है कि आपके जो टैंक है वो ग्राउंड पर है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर है, मतलब ग्राउंड पर रेस्ट कर रही है, तो इस टैंक को अब आप डिज़ाइन करो, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक को डिज़ाइन करो। तो किस तरह से डिज़ाइन होती है, चलिए हम सीधे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब क्योंकि हम RCC वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो कंक्रीट हम यूज़ करने वाले हैं, जिस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, और जो स्टील यहाँ पर यूज़ करने वाले उसका ग्रेड यहाँ पर कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर दिया नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस और जनरल कंसिडरेशन हमें ये एज्यूम करना है कि यहाँ पर M30 कॉन्क्रीट हम यूज़ करेंगे और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, ये हम यहां पर पहले कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें L यहां पर गिवन है, लेंथ गिवन है, जो विड्थ है मतलब कैपिटल B ये हमें गिवन है, वाटर की डेप्थ 3.5 मीटर ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है कि टोटल हाइट टैंक की कितनी है ये निकालनी है, ठीक है। तो टोटल हाइट किस तरह से निकलेगी देख लीजिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ठीक है। ये आपकी कोई टैंक है, ओके, आपको यहाँ पर ये लेंथ जो है ये एल गिवन है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये आपको गिवन है इस तरह से, ठीक है, आपको ये विड्थ गिवन है। और आपको हाइट अगर निकालनी है तो हाइट के लिए आपको सवाल के अंदर ऐसी कोई चीज़ गिवन नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको हाइट या फिर हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर गिवन है। डेप्थ ऑफ वाटर आपको 3.5 मीटर गिवन है। अब डेप्थ ऑफ वाटर का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी डेप्थ होती है जहाँ तक हम इसके अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसी डेप्थ है जहाँ तक, जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ये डेप्थ होगी वो होगी हमारी 3.5 मीटर, ठीक है, कितनी होगी ये 3.5 मीटर, ओके। लेकिन जब भी हम टैंक डिज़ाइन करते हैं, वाटर टैंक जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो ऊपर का कुछ हद तक एरिया, कुछ हद तक सरफेस, कुछ हद तक की डेप्थ हमें यहाँ पर एम्प्टी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कंसिडरेशन के ऊपर, आपके क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। और जो डेप्थ हम यहाँ पर खाली छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं फ्री बोर्ड, उसे हम क्या कहते हैं फ्री बोर्ड। अब वो फ्री बोर्ड हम यहाँ पर 0.2 मीटर भी छोड़ सकते हैं, 0.3 भी छोड़ सकते हैं, 0.5 भी हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी कंडीशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, ओके, उसके हिसाब से हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर फिलहाल हम 0.20 मीटर फ्री बोर्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 0.20 मीटर प्लस जो टोटल वाटर की डेप्थ थी 3.5 मीटर, उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपको टैंक की टोटल हाइट यहाँ पे मिलेगी 3.7 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल हाइट निकाल लेनी है, ओके। अब आपको क्या करना होगा कि पहले ये चेक कर लीजिए कि जो हमने दो केसेस जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताए थे, केस वन और केस टू, एल बाय बी रेशियो के बेस पर, इसमें से ये कौन सा केस है, ठीक है। तो L बाय बी रेशियो निकाल लीजिए, L बाय बी रेशियो आपका आ रहा है यहाँ पर 1.5, ये 1.5 जो है लेस देन 2 है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो H माइनस एच, अब ये H माइनस एच मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा उसका टॉप पोर्शन ये आपको एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिज़ाइन करना है, और जो बॉटम H बाय 4 हाइट होगी आपकी, ठीक है, स्मॉल एच मतलब, वो आपको एज अ कैंटिलीवर डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर h माइनस एच कितना है ये निकाल लीजिए, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल h की। स्मॉल h क्या होता है, कैपिटल h बाय 4, कैपिटल h यहाँ पे कितना होगा 3.7 डिवाइड बाय 4 करो तो ये 0.925 आ रहा है। तो आपको IS कोड ऐसा कहता है कि अगर आपके h की वैल्यू लेस देन 1 मीटर आ रही है, स्मॉल एच की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 1 मीटर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 मीटर ले सकते हो, यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू 1 मीटर आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि स्मॉल एच की जो वैल्यू है बॉटम से 1 मीटर की है, जो हमें एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करनी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कैपिटल एच कितनी है और ये कौन सा केस है और किस पोर्शन को हमें किस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है। तो चलिए अब पहला जो स्टेप हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो है डिज़ाइन कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। डिज़ाइन कांस्टेंट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम थिकनेस ऑफ वॉल निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में। आप सिर्फ पहले इतना देख लीजिए कि डिज़ाइन कांस्टेंट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। डिज़ाइन कांस्टेंट के अंदर जो मेन हमारा कांस्टेंट होता है वो है क्यू,
ठीक है, यहाँ पर जो Q की वैल्यू होती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि Q के अकॉर्डिंगली ही हम बाद में जो है D की वैल्यू निकालेंगे, थिकनेस निकालेंगे वॉल की, ठीक है। तो हमें निकालना होगा Q। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे। यहाँ पर Q जो है ये होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा सी बी सी जो है ये होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, और यहाँ पर जो के है, के होता है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस कोफिशियंट, और जे होता है लीवर आर्म कोफिशियंट, ठीक है। ये आपको सारी चीजें पता चल गई होगी आई थिंक यहां तक। अब इन चीजों को फाइंड आउट किस तरह से करना है, तो देखिए यहां पर अगर जे की बात करें तो जे होता है 1-K/3, अगर के की बात करें तो के होता है एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या होता है, सिग्मा एस टी इज नथिंग बट परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। अब अगर हम बात करें M की, कि M क्या होता है, M को कहते हैं हम मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, ये आपको IS कोड के अंदर गिवन है, 280/3 इनटू सिग्मा CBC, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड्यूलर, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूलर रेशियो को निकालेंगे, उसके बाद हम K को निकालेंगे, उसके बाद J को निकालेंगे, और उसके बाद Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम M की बात करते हैं। M होता है 280/3 सिग्मा CBC। अब जरूरत है आपको सिग्मा CB की, तो सिग्मा CBC किस तरह से और कहां से लिया जाए, तो देखिए IS 337 पार्ट 2 के अंदर, 3370 पार्ट 2 के अंदर आपको सिग्मा CBC और सिग्मा ST दोनों की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सिग्मा CBC डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। देखिए आप अगर टेबल नंबर 2 देखोगे तो आपको यहां पर गिवन है कि आपका अगर M30 ग्रेड है तो आपके लिए यहां पर सिग्मा CBC जो है, ठीक है, वो कितना है, 10 न्यूटन पर mm², ठीक है। इस तरह से आपको सिग्मा CBC की वैल्यू यहां से पिकअप करनी है, ठीक है। तो अगर यहां से आप सिग्मा CBC की वैल्यू लेकर इस M के अंदर रखोगे तो आपको M की वैल्यू मिलेगी 9.33, ठीक है। ये 9.33 आपको M की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं K की, तो K के अंदर M की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा CBC की वैल्यू रखेंगे और सिग्मा ST। अब सिग्मा ST क्या होता है, तो देखिए टेबल नंबर 4 के अंदर आपको सिग्मा ST मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील गिवन है, ठीक है। ये है आपको यहां से लेना है, हाई स्ट्रेन डिफॉर्म बार हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, ठीके? हम यही यूज करते हैं इसके अंदर। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली 130 होता है, 130 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये वैल्यू आपको IS 3370 से लेनी है टेबल नंबर 4 के अंदर से, ठीक है, पार्ट 2 में। तो वहां से जो सिग्मा ST की वैल्यू आएगी यहां पर रखनी है 130, और ये कैलकुलेट करना है आपको K की वैल्यू 0.418। अगर हम बात करें J की, तो J होता है 1-K/3, तो J की वैल्यू आ जाएगी 0.861। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली जो Q की वैल्यू आ गई आपकी वो आएगी 1.80। और एक चीज याद रख ले, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े इसलिए कि ऑलवेज M30 और Fe415 के लिए सिग्मा CBC 10 होगा, सिग्मा ST 130 होगा, K की वैल्यू 0.418 होगी, और J की वैल्यू 0.861 होगी, और Q की वैल्यू 1.795 होगी। यही वैल्यू होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होते, ये चेंज होते हैं आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील के ऊपर से, ठीक है। तो अगर आपका ये ग्रेड है M30 और Fe415, तो आप बिंदास आंख बंद करके इन सारी वैल्यूज को यूज कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने यहां पर डिजाइन कांस्टेंट निकाल लिए। क्यों निकाले, मैंने आपको बताया था कि हमें थिकनेस जब फाइंड करेंगे तब इन चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने जब क्लासिफाई किया था कि L/B रेशियो लेस देन 2 है, इसका मतलब हमें जो H-H, कैपिटल H माइनस स्मॉल H जो हाइट है, जो टॉप पोर्शन है, वो आपको एज अ कंटिन्यूस फ्रेम डिजाइन करना होगा। अब कंटिन्यूस फ्रेम के अंदर क्या होता है कि जो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर फिक्स एंड मोमेंट निकालनी होती है। हमने जो पिछले वीडियो सीरीज देखी थी जब हमने फ्रेम स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था, बीम के फ्रेम स्ट्रक्चर को, ठीक है, बीम के अंदर, तो वहां पर हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट की थी। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम स्ट्रक्चर था, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, फिक्स एंड मोमेंट निकालनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है, और मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके उसे डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, कब, जब ये L/B रेशियो लेस देन 2 हो तब, ओके, अगर ग्रेटर देन 2 हो तब ये आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन की, ठीक है, सेकंड स्टेप हम कहते हैं इसे कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका फ्रेम है कैपिटल H माइनस स्मॉल H, वहां पर आपका प्रेशर कितना है, उस हाइट तक आपका प्रेशर कितना लग रहा है पानी का, ठीक है, क्योंकि ये पानी अंदर प्रेशर लगाएगा, बाहर अंदर से बाहर, ठीक है।
तो पानी का प्रेशर, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, गामा डब्ल्यू दैट इज 10 ओके इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये जो प्रेशर लगेगा आपको पानी, इसकी पानी वाटर की वजह से जो प्रेशर लगेगा आपको वो लगेगा 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, ये आपको प्रेशर मिल गया आपके कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के पोर्शन तक। अब क्या करोगे आप, फिक्स एंड मोमेंट निकालोगे। आपके पास एंड कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 ओके, ए बी सी और डी, आपके पास चार एंड है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के सिमिलर है, यहाँ पर ए बी सी एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक एंड पकड़ लेते हैं, ये ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बी की वजह से मोमेंट और डी की वजह से मोमेंट निकालेंगे। तो एम एफ ए बी मतलब फिक्स एंड मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी, ये कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पे माइनस और प्लस आपको किस तरह से कंसिडर करना होगा, क्योंकि अंदर वाटर जो है बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ उसे फेंकने की कोशिश करेगा दीवारों को। तो ये जो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा इसकी वजह से क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें डी की, तो ये डी के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट लगेगी ये इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, मतलब मोमेंट ऑन ए ड्यू टू डी, तो ये क्लॉकवाइज मतलब प्लस हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ए ड्यू टू बी, तो ये देखिए इस तरफ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ये, तो आपको मोमेंट इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज निकलेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। तो हम इसे इसी तरह से क्या करेंगे, एम एफ ए बी निकालेंगे। अब ये क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है, मतलब पी एल स्क्वायर बाय 12 हमारे केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या लेना है आपको, ये जो स्पान है अगर आप ए बी के लिए निकाल रहे हो तो 6 मीटर लेना है, और अगर आप ए डी के निकाल रहे हो तो आपको 4 मीटर यहाँ पर लेना है, ठीक है, सिंपल। और लोड जो आपको लेना है वो हमने निकाला था, जो प्रेशर लग रहा है वो आपको 27 यहाँ पर लेना है। तो इसी तरह से आपको फिक्स एंड मोमेंट मिलेगी ए पर ड्यू टू बी और ए पर ड्यू टू डी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया कि फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पर निकाल ली। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, क्योंकि हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पर, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था, आप जाकर देख सकते हो, जब हमने बीम की डिज़ाइन की थी, ठीक है, G+3 बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पर उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना है तो करना होता है आपको सबसे पहले जॉइंट, ओके, यहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन जॉइंट जो है सिमिलर जॉइंट हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए यहां पर हम जॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस ए के ऊपर जो मेंबर कनेक्टेड है वो कौन कौन से हैं, ए बी है और ए डी है, ठीक है, हमने अभी प्रीवियसली देखा। तो ए बी और ए डी की वजह से जो स्टीफनेस कोफिशियंट होगा के, ये कितना है ये हम निकालेंगे, ठीक है। ये के क्या होता है, 4EI / ये फिक्स एंड के लिए क्या होता है, 4EI / एल, ठीक है, 4EI / L होता है। अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी के अंदर जो L होगा वो 6 मीटर होगा और ए डी के अंदर जो L होगा वो 4 मीटर होगा, ठीक है, यही चेंज आएगा क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, तो 4EI ही रहेगा, डिवाइड बाय L यहां पर चेंज होगा क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो इनका रेशियो अगर निकाले हम, तो ए बी के लिए 0.67EI आएगा और ए डी के लिए 1EI आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये ए डी और AB के लिए K मिल गया। अब समेशन ऑफ K कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये समेशन ऑफ K मिल जाएगा आपको 1.67EI, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर निकालना है, तो K अपॉन समेशन ऑफ K निकाल लीजिए, तो आपको पर्टिकुलर स्पान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल जाएगा। AB के लिए 0.4 है और AD के लिए 0.6 है। तो ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, ओके। ये मेथड भी आपको मैंने पिछले वीडियोज के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया था, आप जाकर वहां पर इसे देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको पता ना चले तो। तो चलिए अब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करना क्या होता है आपको, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने लिए थे पहले, वो आप यहां पे रख दीजिए, ठीक है। ए पर डी की तरफ से कितना था, 0.6 और बी की तरफ से 0.4, ठीक है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां पे रख दिए। अब हम बात करते हैं फिक्स एंड मोमेंट की, तो फिक्स एंड मोमेंट ए पर बी की वजह से -81 थी और ए पर डी की वजह से 36 थी, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, बैलेंस किस तरह से करना है मोमेंट को, तो देख लीजिए क्या कर लिया आपका, 36 - 81 कितना होगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर आप मल्टीप्लाई कीजिए इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से 0.6 से, और इसकी जो अपोजिट साइन वाली वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर रखनी है आपकी। अगर आप इसका 36 - 81 करोगे तो इसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू दिस वैल्यू आपकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, लेकिन आपको उसका अपोजिट फैक्टर यहाँ पर रखना है, अपोजिट वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। -27 आएगा तो +27 रखना है, ठीक है।
अब करना क्या है आपको, 36 माइनस 81 इंटू, ये जिसका इसका जो डिफरेंस आएगा ये आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है और इसकी अपोजिट साइन वाली वैल्यू यहां पर रख देनी है। आपको यहां पे माइनस 18 आएगा तो आपको प्लस 18 रखना है, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको एक बार फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कि माइनस 81 प्लस 18 कितना होता है, माइनस 63, और 36 प्लस 27 कितना होता है, प्लस 63। इसका मतलब दोनों जो वैल्यू है इक्वल है और साइन में अपोजिट है, तो ये बैलेंस हो चुकी है यहाँ पे मोमेंट। अगर बैलेंस नहीं होती तो फिर से यही स्टेप आपको दोहराना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको जब हम बीम की डिज़ाइन कर रहे थे G+3 बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से और सिंपल और डिटेल में समझाया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो पूरा मेथड किस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस हो चुकी है मोमेंट। अब क्या करेंगे हम फर्दर आगे, मोमेंट हमारी यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, ये थी एंड मोमेंट, ओके। ये क्या थी, एंड मोमेंट। हमें अभी क्या करना होगा कि सपोर्ट पर मोमेंट कितनी है पता चल गया, लेकिन स्पान के बीच में मोमेंट कितनी है ये हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि हम जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमें सपोर्ट के ऊपर भी प्रोवाइड करनी होती है और सेंटर के ऊपर भी प्रोवाइड करनी होती है। तो हमें सपोर्ट के ऊपर जो मोमेंट थी वो तो मिल गई, लेकिन सेंटर पर कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो सेंटर पे अगर फाइंड करनी है तो वो किस तरह से फाइंड की जाती है, देखिए यहां पे मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ लॉन्गर स्पान ए बी, वो कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 माइनस जो ऑलरेडी मोमेंट ए पर है वो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो W मतलब P हमारे पास है, ठीक है, वो 27 है लॉन्गर के लिए, तो 27 इंटू लॉन्गर स्पान का जो लेंथ है वो 6 मीटर है, 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस जो हमने MA निकाला था वो कितना था, 63, ओके। तो आपको इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 58.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी लॉन्गर स्पान है हमारा उसके सेंटर पे मोमेंट कितनी है, 58.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं शॉर्टर स्पान की, कि शॉर्टर स्पान जो ए डी हमारा है वहां पर सेंटर के ऊपर मोमेंट कितनी है, तो इसके ऊपर इसके लिए आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। यहाँ पर क्या है, नोटेशन चेंज हो रहे हैं, W मतलब P हमारे पास और L मतलब जो B विड्थ आई थी 4 मीटर की वो हमने यहाँ पे लिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या L कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे B लेना है आपको 4 मीटर, सिंपल। और जो सपोर्ट के ऊपर मोमेंट थी वो तो 63 ही है, तो इसका आपको माइनस करना है, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको माइनस 9 यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, माइनस 9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो देख लीजिए यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका इस वाटर टैंक का वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या है ये, कि लॉन्गर स्पान के ऊपर कितनी मोमेंट है, शॉर्टर स्पान के ऊपर कितनी मोमेंट है, एंड के ऊपर कितनी मोमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इस डायग्राम से पता चल रही है, ठीक है। सिंपल हमने इतना देख लिया। अब टेंशन कितना आ रहा है, डायरेक्ट टेंशन, क्योंकि वाटर जो है इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स, ये टेंशन कितना आ रहा है वॉल के ऊपर, कितना है लॉन्गर वॉल के अंदर टेंशन कितना होगा और शॉर्टर वॉल के अंदर टेंशन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो लॉन्गर वॉल की अगर बात करें हम, तो टेंशन फोर्स के अंदर होता है डब्ल्यू एल बाय 2, ठीक है। ये कितना होता है, डब्ल्यू एल बाय 2 मतलब पी इंटू बी बाय 2। अब लॉन्गर वॉल अगर हम बात करें तो लॉन्गर वॉल की वजह से क्या होगा, जो जो हमें लेंथ लेनी है वो शॉर्टर वॉल की लेंथ लेनी है, ठीक है। हमें लॉन्गर वॉल की लेंथ नहीं लेनी है। इसके पीछे कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि ये आपकी जो है ये शॉर्टर वॉल है और ये लॉन्गर वॉल है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि भाई लॉन्गर वॉल पे कितना टेंशन आएगा, ठीक है। तो लॉन्गर वॉल पे टेंशन किसकी वजह से आएगा, शॉर्टर वॉल की वजह से, क्योंकि शॉर्टर वॉल के अंदर अगर यहाँ पर जो टेंशन, जो फोर्स वाटर लगाएगा, तो ये वॉल जो है बाहर की तरफ जाएगी, तो बाहर की तरफ ये वॉल जाएगी, तो ये यहाँ पर जॉइंट है, तो ये वॉल क्या करेगी, इस लॉन्गर वॉल को बाहर की तरफ खींचेगी, तो ये क्या होगा, इस वॉल के अंदर टेंशन क्रिएट होगा। इसलिए ये कितना टेंशन क्रिएट होगा ये डिपेंड करता है इस वॉल की लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पी इंटू बी डिवाइड बाई 2 करना होगा। जब आप लॉन्गर वॉल की बात कर रहे हो तो आपको शॉर्टर वॉल की लेंथ लेनी है, जब आप शॉर्टर वॉल की बात कर रहे हो तो आपको लॉन्गर वॉल की लेंथ यहां पर कंसिडर करनी होगी। ये आपका बेसिक यहां पर कंसेप्ट है, ओके, इसे समझ जाइएगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्गर वॉल कितनी होगा, P इंटू बी डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 54 किलो न्यूटन। और अगर हम बात करें डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्टर वॉल, वो होगा P इंटू एल बाय 2, दैट इज इक्वल टू 27 इंटू 6 बाय 2, ओके, दैट इज इक्वल टू 81 किलो न्यूटन पर मीटर। सिंपल हमने ये क्या किया कि मोमेंट सपोर्ट पर कितनी थी वो निकाल लिया, मोमेंट सेंटर पर कितनी थी वो निकाल लिया, और टेंशन कितना था वॉल पर वो हमने निकाल लिया, ओके। अब हमें क्या जरूरत है निकालने की,
कि भाई जो वॉल हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, चाहे वो लॉन्गर हो या शॉर्टर हो, उसकी थिकनेस हमें पता होना चाहिए। अब उसकी थिकनेस किस तरह से निकाली जाती है, मैंने आपको कहा था कि ये निकाली जाती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर से। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर होता है m इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव्ड फार्मूला है, ठीक है, इसे आप पिछले फार्मूले से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी सारी m मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। ये q जो है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर होता है, जो हमने बिगिनिंग में ही से सॉल्व आउट किया था पहले स्टेप के अंदर, ठीक है, डिजाइन कॉन्स्टेंट के अंदर q। तो चलिए Q हमारे पास है, B जो है ये पर मीटर लेते हैं, मतलब B हमारे पास हो जाएगा 1000 mm, और D हमें फाइंड आउट करना है। D होता है थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, और M जो है M हमें पता है, M कितना है 63 × 10⁶, ओके, M जो है ये एंड मोमेंट होती है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो m यहाँ पर 63 × 10⁶ होगा, और q की वैल्यू 1.80 है जो कि हमने फाइंड कर रखी है। b जो है हमें 1000 mm लेना है, और d यहाँ पे अननोन है, तो यहाँ पर d हो जाएगा नोन, दैट इज इक्वल टू 1.87.08 mm, ओके। इसे हम अगर राउंड अप करें तो ये हो जाएगा 250 mm, ओके, इसे हम राउंड फिगर कर देते हैं। आप यहाँ पर 250 की जगह 200 भी प्रोवाइड कर सकते हो, थंब रूल नहीं है कि आप 250 ही प्रोवाइड करो, ठीक है, हम यहाँ पर 250 कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 250 mm यहाँ पर हम डेप्थ इसके अज्यूम करते हैं, और इफेक्टिव कवर इसके अंदर ऐड कर देते हैं 50 mm का। जो टोटल डेप्थ होगी, टोटल थिकनेस हमारी वॉल की होगी, वो कितनी होगी 300 mm, कितनी होगी 300 mm की, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर वॉल की थिकनेस को निकाल लिया। जो चीज़ें, जो डायमेंशंस हमें रिक्वायर्ड थे, जो क्राइटेरिया हमें पता होनी चाहिए थी, वो सारी यहाँ तक नोन हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्गर वॉल को डिज़ाइन करना। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग जो वॉल है उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे लॉन्गर वॉल हो या शॉर्टर वॉल हो, आपको सपोर्ट के ऊपर रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, एज वेल एज सेंटर के ऊपर रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एट सपोर्ट, लॉन्गर वॉल के अंदर सपोर्ट के ऊपर कितना रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और किस तरह से करना है, उसके लिए आपको ज़रूरत है मोमेंट की। मोमेंट सपोर्ट पे कितनी है, 63 kN/m, और यहाँ पर टेंशन जो है वो लिक्विड फेस पर होगा। अब लिक्विड फेस क्या है ये आपको बता दूं मैं, ठीक है। लिक्विड फेस मतलब मान लीजिए ये टैंक है आपकी, ठीक है, ये आपकी पूरी क्या है, टैंक है, इसके अंदर पानी है, जिस तरफ पानी होता है ना, जिस तरफ वाटर होता है वो होता है लिक्विड फेस, और उसके अपोजिट जो फेस होता है बाहर वाला फेस, वो उसे कहते हैं रिमोट फेस। इस चीज़ को याद रखें, जो सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होता है उसे हम लिक्विड फेस कहते हैं, और उसके अपोजिट जो सरफेस होता है उसे हम रिमोट फेस कहते हैं, ठीक है, सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट के ऊपर जो लिक्विड फेस होगा वो टेंशन के अंदर होगा, ठीक है, और जो टेंशन यहाँ पर कितना है 54 kN, जो कि हमने अभी प्रीवियसली फाइंड किया था, ठीक है, टेंशन 54 है ये लॉन्गर वॉल के लिए डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, मॉडिफाइड मोमेंट। मॉडिफाइड मोमेंट मतलब क्या होता है, हम इसे नेट मोमेंट भी कह सकते हैं। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, मॉडिफाइड मोमेंट होता है m माइनस टी इंटू एक्स, ओके, m मतलब क्या है, जो ऑलरेडी वहां पर मोमेंट है वो, और t इंटू एक्स मतलब टेंशन। ये टेंशन की वजह से जो पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मोमेंट क्रिएट हो रही है, मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये मोमेंट होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और जो x है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो एक तरह की मोमेंट हो गई, एक तरह का रिएक्शन हो गया, तो ये आपको माइनस करना होगा आपके सपोर्टिव मोमेंट के अंदर। सपोर्ट के ऊपर जो मोमेंट थी 63 kN/m थी, तो उसमें से आपको t इंटू एक्स माइनस करना होगा। जो अगर आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ पर नेट मोमेंट की, मॉडिफाइड मोमेंट की, वो होगी 57.6 kN/m, ठीक है, सिंपल, इतना हमने देख लिया। अब करना क्या होता है, आपको AST प्रोवाइड करना है, लेकिन AST आपको मोमेंट के लिए अलग से प्रोवाइड करना होता है और टेंशन के लिए अलग से प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अगर हम मोमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है m अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हमें पता है। m जो है ये 57, अब आपको m कौन सा लेना है ये नहीं लेना है, आपको मॉडिफाइड लेना है, आपको नेट m लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो था ये 63 ज़्यादा है, इसके लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको उसको जो है रिएक्शन ऑफर हो रहा है, ये जो टेंशन फोर्स है उसकी वजह से रिएक्शन ऑफर हो रहा है। अब वो रिएक्शन अगर हम माइनस करें तो जो मोमेंट बचेगी उसके लिए हमें यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर मॉडिफाइड किया था इसे,
इसलिए हमने नेट मोमेंट निकाला था, ठीक है। तो वो मोमेंट हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, 57.6 इंटू 10^6 होगा डिवाइड बाय सिग्मा। एस टी हमने निकाला था कि 130 है टेबल नंबर 4 के ऊपर से, ठीक है, इंटू जे की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.861 आ रहा था, इंटू जे की डी की वैल्यू जी थी हमने अभी अभी निकाली थी 250 mm, ठीक है। तो ये है ए एस टी, ये क्या होगा, ए एस टी फॉर मोमेंट दैट इज इक्वल टू 2058.40 mm square। ओके, हम बात करते हैं ए एस टी फॉर टेंशन। तो टेंशन फोर्स हमारे पास जो था उसके अकॉर्डिंगली कितना ए एस टी लगेगा वो हमें निकालना होगा। उसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन मतलब टेंशन फोर्स अपॉन सिग्मा एस टी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये कितना होगा, टी अपॉन सिग्मा एस टी हो जाएगा 415.38 mm square, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ स्टील फॉर टेंशन आ चुका है और एरिया ऑफ स्टील ऑफ मोमेंट आ चुका है। अगर हमें टोटल एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो है वो निकालना है तो इन दोनों को एडिशन कर लीजिए इन दोनों का, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा 2473.80 mm square, आपको टोटल एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब आप क्या करोगे, इस एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंगली बार्स को प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, पर्टिकुलर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर। हम यहाँ पर इस एरिया के अकॉर्डिंगली 20 बार को एज्यूम कर सकते हैं, आप दूसरे किसी बार को भी एज्यूम कर सकते हो, डिपेंड करते हैं आपके रिक्वायरमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर हम 20 डायमीटर के बार को प्रोवाइड करते हैं एट 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, और इसके अकॉर्डिंगली जो हम प्रोवाइडेड यहाँ पे मोमेंट ए एस टी देख रहे हैं, ए एस टी प्रोवाइडेड वो कितना होगा, 2618 विच इज ग्रेटर देन 2473, ओके, रिक्वायर्ड से प्रोवाइडेड ज़्यादा है, ओके। अब ये जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम कहाँ करेंगे, लिक्विड फेस पर, क्योंकि लिक्विड फेस यहाँ पर टेंशन में है, ठीक है। तो लिक्विड फेस पर हम ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और रिमोट फेस पर हम रेनफोर्समेंट इतना प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे आईएस कोड के अकॉर्डिंगली जो कि होता है 0.24%, ठीक है, 0.24% हम यहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे रिमोट फेस के ऊपर, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से क्या किया हमने कि सपोर्ट के ऊपर जो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड था लॉन्ग वॉल के अंदर वो यहाँ पर देख लिया, कैलकुलेट कर लिया किस तरह से हमें रखना है वहां पर रेनफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं कि सेंटर पर, लॉन्ग वॉल के सेंटर पर किस तरह से कितना रेनफोर्समेंट लगेगा। देखिए यहां पर आपको सेंटर की मोमेंट निकालनी होगी, सेंटर के ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो आपको निकालना होगा, मॉडिफाइड मोमेंट, ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहां पर जो मोमेंट है वहां पर सेंटर की वो कितनी है, 58.5 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन जो है रिमोट फेस पर रहेगा। अब ये टेंशन रिमोट फेस पर क्यों रहेगा, तो आपको पता है कि जो लॉन्गर वॉल होगी आपकी, अंदर से पानी उसको सेंटर पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो क्या कर रहा है कि इस दीवार को बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेस होगा वॉटर के अंदर वो अंडर कंप्रेशन होगा और जो बाहर का सर्फेस होगा वो अंडर टेंशन होगा, ठीक है। मैंने आपको ये पिछले जब हम बीम को डिजाइन कर रहे थे तो यही कंसेप्ट मैंने आपको वहां बताया था कि टेंशन और कंप्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या है और ये क्यों होता है, ठीक है। तो बाहर का जो सरफेस होता है ये टेंशन में होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि रिमोट सरफेस जो है, रिमोट फेस जो है टेंशन में होगा यहां पर, ठीक है, सेंटर के ऊपर। और टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना होगा, 54 kN। अब यहाँ पर जो नेट मोमेंट या मॉडिफाइड मोमेंट सेंटर पे कितनी होगी, तो जो ऑलरेडी मोमेंट आ रही है वो कितनी है, 58.5, और जो टेंशन फोर्स की वजह से मोमेंट वहां पर रेजिस्ट हो रही है वो कितनी है, टी इंटू एक्स, ठीक है। तो वो जो टोटल मोमेंट बच रही है जिसके लिए हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो कितना है, 53.10 kN/m। सिंपल, हमने ये नेट मोमेंट निकाल लिया। अब इसी मोमेंट के लिए हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो ये मोमेंट के लिए होगा एम अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ये वैल्यू आ रही है 1897.61 mm square। और जो टेंशन के लिए अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें तो ये वैल्यू आ रही है 415.38 mm square। इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तब जाके हमें मिलेगी टोटल एएसटी रिक्वायर्ड, वो है 2313 mm square। और इसी रिक्वायर्ड मोमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, बार प्रोवाइड करेंगे, उसका डायमीटर हम यहां पे फिर से 20 mm डायमीटर कंसिडर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा। और जो प्रोवाइडेड यहाँ पर AST होगा वो होगा 2417 mm square, विच इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ओके। और ये आप कहाँ प्रोवाइड करोगे, रिमोट फेस पर। अब हम बात करते हैं लिक्विड फेस, तो लिक्विड फेस के अंदर आपको 0.24% मतलब के मिनिमम AST वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देना है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या किया कि लॉन्ग वॉल के अंदर सेंटर और सपोर्ट के ऊपर
रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के अंदर आपको आईएस कोड ने कहा है कि आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड कहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, मतलब वो है Fe415 के लिए 0.24%, ओके 0.24% जो है आपको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना होगा, सिंपल। और एक चीज़ वहाँ पर बताया आपको कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हो तो किस तरह आपको ये जो वॉल है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो आपको पता है, हमने निकाली थी कितनी है 300 mm square, ठीक है, तो किस तरह से आपको स्टील को यहाँ पर रखना है, तो आपको आईएस कोड ने कहा है अगर आपकी वॉल की थिकनेस या डेप्थ यहाँ पर लेस देन 500 हो, ओके लेस देन 500 हो, तो आपको करना क्या होता है कि जो दोनों फेस है ये सेंटर से, ठीक है, सेंटर से क्या होता है दोनों जोन, ये एक जोन है और ये दूसरा जोन है, तो दोनों जोन के अंदर आपको 50-50% स्टील को प्रोवाइड करना है, ठीक है, मतलब अगर ये 300 है तो 150 इधर प्रोवाइड करना है और 150 के लिए इधर प्रोवाइड करना है, ठीक है, इस तरह से आपको दोनों जोन के अंदर स्टील प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, AST फॉर वन जोन, अगर हम एक जोन के लिए बात करें कि एक जोन के अंदर AST कितना लगेगा, तो ये 0.24/100 × 1000 × 150 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 360 mm square, मतलब एक जोन के लिए इतना है रिक्वायर्ड, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, बार को प्रोवाइड कर देते हैं 10 mm डाया पर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और जो रिक्वायर्ड AST यहाँ पे आ रहा है वो जो प्रोवाइडेड AST यहाँ पे आ रहा है वो है 374 mm square, विच इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। तो ये एक फेस की बात हुई, एक जोन की बात हुई, हम सिमिलरली जो दूसरा जोन है यहाँ पर वहाँ पर भी यही एरिया ऑफ स्टील, यही बार इसी स्पेसिंग के ऊपर रख सकते हैं, सिंपल। इस तरह से आपको क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना है लॉन्गर वॉल के अंदर, ओके। तो यहाँ पर लॉन्गर वॉल की डिजाइन खत्म होती है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट वॉल की, तो शॉर्ट वॉल के अंदर भी आपको क्या करना होगा, सपोर्ट के ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, किस तरह से, तो सपोर्ट की मोमेंट यहाँ पर 63 होगी, ओके, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स होगा, टेंशन होगा लिक्विड फेस के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर जो टेंशन है शॉर्टर वॉल के अंदर हमने जो टेंशन फोर्स निकाला था डायरेक्ट टेंशन वो 81 kN था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मॉडिफाइड मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी 54.9, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये x यहाँ पर कितना लेना है, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़ हो गए होगे, लेकिन मैंने आपको पिछले पीछे बताया था कि जो x है ये आपको कितना लेना है, x क्या होता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है x, ओके, x जो होता है इसमें से हम इफेक्टिव कवर जो है ये माइनस कर लेते हैं, एक जोन के अंदर से इफेक्टिव कवर को अगर आप माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 100 mm, x क्या आ रहा है यहाँ पर 100 mm, ये हमारी वॉल की थिकनेस है जो कि 300 mm है, ये बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस 150 है, और इसके अंदर से अगर हम कवर को माइनस करें तो जो थिकनेस बचती है वो हमारा x है, ओके, और उसी के अकॉर्डिंगली जो टेंशन फोर्स डायरेक्ट टेंशन फोर्स ऐड करेगा वो आपको मोमेंट कैलकुलेट करके देगा, और वो मोमेंट आपको जो मोमेंट आपकी आई थी एंड पर उसमें से माइनस करनी है, ठीक है, सिंपल। ये आपको x का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, क्या है x, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इस तरह से आपको x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मॉडिफाइड मोमेंट निकाल लीजिए, मॉडिफाइड मोमेंट मतलब m माइनस टी इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 54.9 kN/m। अगर हम बात करें मोमेंट के लिए AST कितना होगा, तो ये होगा 1961.94 mm square, और हम बात करें अगर टेंशन के लिए AST कितना होगा तो वो होगा 623 mm square। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल AST हमारी रिक्वायर्ड जो है वो कितना है 2584 mm square, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि 20 डाया बार हम प्रोवाइड कर देते हैं 120 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, तो जो प्रोवाइडेड AST इसके अकॉर्डिंगली आएगी वो कितनी आएगी 2618 mm square, ठीक है, सिंपल, इतना हमने देख लिया। ये हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड फेस पर, क्योंकि लिक्विड फेस पर यहाँ पर टेंशन है, ठीक है, तो रिमोट फेस पर क्या करेंगे, इसका 0.24% हम मिनिमम जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल, एज पर IES कोडल प्रोविजन। इस तरह से हमने क्या किया कि शॉर्टर वॉल के अंदर सपोर्ट के ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब हम सेंटर की अगर बात करें कि शॉर्टर वॉल पर सेंटर पे किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो वही प्रोसीजर है, मोमेंट यहाँ पर देख लीजिए, सेंटर पर मोमेंट कितनी है शॉर्टर वॉल के ऊपर, -9 है, ठीक है, और जो टी यहाँ पर टेंशन है डायरेक्ट टेंशन, ठीक है, वो कितना है 81 kN, और जो मोमेंट यहाँ पर लगेगी सेंटर के ऊपर वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा कि सेंटर के ऊपर
जो लिक्विड फेज है वो टेंशन में होगा, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड फेज जो है वो टेंशन में होगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाइड मोमेंट आएगी, जो नेट मोमेंट आएगी, वो कितनी आ रही है, एम माइनस टी इंटू एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस 17.1 किलोन्यूटन मीटर। देखिए जो मॉडिफाइड मोमेंट है इसके अंदर, आपको अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर एएसटी फॉर मोमेंट कितना होगा, 611.10 mm², और एएसटी फॉर टेंशन कितना होगा, 623 mm², इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल एएसटी यहाँ पे कितना होगा, 1234.10 mm², ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम बार प्रोवाइड कर देंगे, आप यहाँ पर 16 करो, 20 करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 कर देते हैं, उसके बाद ये कहा कितने स्पेसिंग पर आएगा, 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर आएगा ये, अगर हम 16 mm डायाबार प्रोवाइड करें तो, ठीक है। और जो प्रोवाइडेड एएसटी आएगा वो कितना आएगा, 1257 mm², सिंपल, ओके, ये प्रोवाइडेड एएसटी है। और ये हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ऑन लिक्विड फेस, अगर हम रिमोट फेस की बात करें तो आपको 0.24% अप्लाई कर देना है वहाँ पर रिमोट फेस के ऊपर स्टील, ठीक है, सेंटर के ऊपर, सिंपल इतना आपको करना है यहाँ पर, ओके। ये सेंटर की बात हो गई, ये जो हमने अभी कहाँ किया, शॉर्टर वॉल के ऊपर, सेंटर के ऊपर हमने डिज़ाइन कर लिया, हमने सपोर्ट के ऊपर देख लिया और सेंटर के ऊपर देख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया कि शॉर्टर वॉल पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब हमने देखा था इस बिगिनिंग के अंदर ही कि जो हमारा केस था शॉर्टर वॉल के अंदर क्या था, कि जो बॉटम 1 मीटर था वो हमें एज अ कैंटिलीवर डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन बॉटम के ऊपर एच जो है, एच हाइट है, वहां पर क्या होगी, कितनी होगी, हमें वहां निकालना होगा कि जो बेस पर प्रेशर होगा, टोटल जो बेस है वहां पर जो प्रेशर है वो कितना है, वो हमें निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, बॉटम को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर, तो वहां पर क्या करना होगा, हमें बॉटम के ऊपर प्रेशर टोटल निकालना होगा। तो प्रेशर एट बेस कितना होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ओके, गामा डब्ल्यू इंटू एच, यहां पर गामा डब्ल्यू होता है 10, जो कि वाटर की डेंसिटी होती है, और ये एच जो है यहां पर टोटल हाइट हम लेंगे, यहां पर स्मॉल हाइट नहीं लेंगे, क्योंकि स्मॉल हाइट अगर लेंगे तो जो ऊपर का प्रेशर आएगा वो यहां पर रेजिस्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, बॉटम हम डिजाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम बॉटम से डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें प्रेशर क्या करेगा, बॉटम का लगेगा, जो कि टोटल ऊपर से आता है, तो टोटल हाइट यहां पे हमें कंसीडर करनी होगी, ठीक है। कितना हो रहा है, 10 × 3.7 = 37 kN/m², ठीक है, सिंपल हमने क्या किया कि प्रेशर एट बेस निकाल लिया। अब बेंडिंग मोमेंट एट बेस, इस प्रेशर की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितनी लगेगी बेस पर, ये हम निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट × cg, ठीक है, तो 1/2 × बेस, बेस कितना होगा इसका, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गई, इंटू सीजी, सीजी कहाँ होगी, ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की सीजी कहाँ होगी, ये देखिए, ये बेस प्रेशर लगेगा आपको, ये कितना है, बेस प्रेशर, ओके, ये बेस प्रेशर है, और इसकी ट्रायंगल की सीजी कहाँ होगी, क्योंकि हम ये एच, ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर है, ओके, ये क्या है, 1 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर के ऊपर, इस 1 मीटर की जो ट्रायंगल है, ये इसकी सीजी क्या होगी, तो ये होती है हाइट बाय 3 के ऊपर, ठीक है, तो ये 1/3 के ऊपर हो जाएगा, सिंपल। तो बेंडिंग मोमेंट एट बेस हमें कितना मिलेगा, 6.16 kN/m, और यहाँ पर जो टेंशन होगा वो भी लिक्विड फेस पर होगा, सिंपल, ओके। ये टेंशन का मैंने आपको फंडा समझा दिया है, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एएसटी प्रोवाइड कर देंगे, जो बेंडिंग मोमेंट आई थी हमारे बेस के ऊपर वो, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एएसटी प्रोवाइड करेंगे। कितना आ रहा है एएसटी यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट की क्या फॉर्मूला होगा, एम अपॉन सिग्मा एसटी इंटू जे इंटू डी, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एएसटी की वो आएगी 220.13 mm², विच इज लेस देन एएसटी मिनिमम। एएसटी मिनिमम जो है, अगर हम 0.24% ले, अगर हम 0.24% ले, ठीक है, तो 360 mm² मिनिमम यहाँ पर एएसटी आएगी। लेकिन क्योंकि ये 360 से कम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि 0.24% मिनिमम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम 220 प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिलो द मिनिमम लिमिट है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे 0.24% प्रोवाइड करें तो एक फेस पर जो है यहाँ पर 360 mm² हम स्टील प्रोवाइड करेंगे इस बॉटम के 1 मीटर के हाइट के ऊपर, ठीक है, सिंपल। इस तरह से आपको कैंटिलीवर बॉटम डिजाइन करना है 1 मीटर तक का, सिंपल। अब जो वाटर टैंक हमने डिजाइन की है अब तक, उसके अंदर
लॉन्गर वॉल और शॉर्टर वॉल ये दोनों चीजें डिजाइन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बेस स्लैब को डिजाइन करेंगे। बेस स्लैब को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि डिजाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी थिकनेस कितनी है। ओके, तो थिकनेस हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में कि 200 mm यहाँ पर थिक स्लैब मान लेते हैं। आप 250 भी मान सकते हो, ऐसा कोई थम रूल नहीं है कि आपको 200 ही माननी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 200 mm स्क्वायर मान के चलते हैं आगे, और क्या करते हैं कि 0.24% स्टील यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी अर्थ पर सपोर्टेड है, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा इसके अंदर हैवी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके इसके बॉटम जो है वहाँ पर हमें स्टील को प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये जो स्टील प्रोवाइड करेंगे ये टॉप पोर्शन पे प्रोवाइड करेंगे, बॉटम पे नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मिनिमम हम 0.24% स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ होगी ये हमने, या हम कह सकते हैं थिकनेस स्लैब की, वो हमने 200 लिया था। तो एक जोन, अब एक जोन मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर ये टोटल थिकनेस 200 है तो इसके सेंटर से अगर दो पार्ट अगर हम पाड़ें, ठीक है, तो ये एक जोन हो गया और ये दूसरा जोन हो गया, ठीक है। तो ये दो जोन इस तरह से होते हैं। तो एक जोन की यहाँ पर थिकनेस कितनी होगी, 200/2 मतलब 100 mm हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो अपर लेयर होगा जो लिक्विड फेस की तरफ होगा वहीं पे हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, बॉटम के ऊपर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ऑलरेडी सपोर्टेड बाय द सॉइल और लैंड इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए हमें वहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम AST कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें अपर सर्फेस पर प्रोवाइड करना है, 0.24/100 × 1000 × 100, ओके, ये थिकनेस है एक जोन की अपर लेयर की, ठीक है। तो ये जो इसके अकॉर्डिंगली AST आ रही है वो कितनी आ रही है, 240 mm स्क्वायर, कितनी आ रही है, 240 mm स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 वाला फंडा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी सीवियर कंडीशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सपोर्टेड बाय दिस लैंड बाय द सॉइल इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट मच हैवी डिज़ाइन इन दिस स्लैब, ओके, सिंपल। तो ये 240 mm मारा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल आप इतना रख सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली आप 8 mm प्रोवाइड करो या 10 mm प्रोवाइड करो, 12 mm प्रोवाइड करो, आपकी मर्जी, आपकी कंडीशन, आपके हिसाब से आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर 8 mm प्रोवाइड करते हैं और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 200 आ रहा है इस 8 mm डायमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो जो प्रोवाइडेड AST हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 251 mm स्क्वायर, कितना आ रहा है, 251 mm स्क्वायर। तो ये हमने बेस स्लैब को डिज़ाइन कर लिया, हमने लॉन्गर वॉल को डिज़ाइन किया, शॉर्टर वॉल को डिज़ाइन किया और बेस स्लैब को डिज़ाइन किया। यहाँ तक आपको अगर कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल और आसान चीज़ें हैं सारी, इसके अंदर बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा और रिप्लाई अब तक देता आ रहा हूँ, ठीक है। और जो हमने आज अभी इसके अंदर वाटर टैंक डिज़ाइन की है तो उसका रेनफोर्समेंट डिटेल ये आपके बिल्कुल सामने, आप इसे बिल्कुल शांति से इत्मीनान से ऑब्जर्व कर सकते हो, इस वीडियो को रोक कर, इस वीडियो को पॉज कर। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, इसके अंदर वैसे तो डाउट की कोई बात नहीं है, जो भी हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो आपको रीड करना है और कहाँ प्रोवाइड किया है वो आपको समझना है, ओके। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ दे दूँ आपको कि एक वीडियो हम ऐसा बनाने वाले हैं साइट के ऊपर, मैं साइट के ऊपर जाऊँगा और साइट के ऊपर जो स्लैब का रेनफोर्समेंट होता है उसकी डिटेल आपको बताऊँगा, जो कॉलम का रेनफोर्समेंट होता है उसकी डिटेल आपको बताऊंगा विथ माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है, अपने अंदाज में मैं एक्सप्लेन करूंगा साइट के ऊपर जाके आपको, ताकि आपको ये नॉलेज जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए वो भी डेवलप हो थियोरेटिकल के साथ साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं अभी, जब वो वीडियो रेडी हो जाएगा तब मैं उसे अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट मी रेगुलर अपडेट्स। Thank you.